आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का भाजपा नेता को लेकर दिया गया एक बयान चर्चा में है। इस बयान में वह भाजपा विधायक को जूते से मारने की बात कर रहे हैं, जिसकी सियासी गलियारों में खूब आलोचना हो रही है। दरअसल भाजपा विधायक राजेश चौधरी ने एक टीवी चैनल में दावा किया था कि बसपा मुखिया मायावती यूपी की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रही हैं और उन्हें सीएम बनवाना भाजपा की बड़ी भूल थी। इस पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उस विधायक को जूते से पीटना चाहिए। चंद्रशेखर ने आगे कहा कि भाजपा के कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए हैं और वो हैसियत से ज्यादा बोलने लगे हैं। कभी कभी वो अपने नेताओं को खुश करने के लिए ये भी भूल जाते हैं कि इसके परिणाम क्या होंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि बहन जी हमारी नेता हैं, आदर्श हैं। उनके सम्मान में कोई गलत शब्द कहेगा तो भीम आर्मी के लोग और आजाद समाज पार्टी के लोग उनसे हिसाब किताब करेंगे। आप चंद्रशेखर का यह बयान स्क्रीन पर सुन सकते हैं। उस विधायक को जूते से पीटना चाहिए। भाजपा के नेताओं के कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए, वो हैसियत से ज्यादा बोलने लगे और कभी कभी वो अपने नेताओं को खुश करने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। बहन जी हमारी नेता है, आदर्श है, उनके सम्मान से अगर उनके सम्मान में कोई गलत शब्द कहेगा तो फिर भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग उससे हिसाब किताब करेंगे। इस बात को मैं उनको सावधान करना चाहता हूँ। कोई चुनौती नहीं, आजाद समाज पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं, जनता उनके साथ खड़ी है। यस, उसमें पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और पार्टी का स्टेट का जो ऑर्डर होगा हम लोग उसको फॉलो करेंगे। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद नगीना से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं और दलित समुदाय की बात उठाने के लिए जाने जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने आरक्षण को लेकर एक ऐसा बयान दिया था जिस पर जमकर बवाल हुआ था। चंद्रशेखर ने कहा था कि जब मेरी जाति और देश की बात होगी तब मैं अपनी जाति को चुनूंगा।